Once again, my YouTube viewers, you are seeing my club stammering experience, and once again, myself, Vishal Gupta, come on the video to give some tips about stammering. I'm always say that stammering is just a disease of mindset and psychological mouth function, which you can have the command to vanish that stuttering and stammering problem. Actually, this is all about the problem of, you know, speak fast, and sometimes that's a mouth problem. So just up jab bhi stammering ki jisse bhi problem, just apni speech ki speed ko slow kare, and don't be frustrated about stammering. For kind information, मैं ये बताना चाहता हूँ that क्या होता है कि stammering की problem एक बहुत ही you know curse type की problem है, जिसमें इंसान खुद को shamefully feel करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं किसी से बात करूँगा that I get stammer. So जो ये thinking है, ये always खुद को negative बनाती है, जिन्हें stammering की problem होती है. But मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम है स्टिल, जब मैं 6 साल का था, और स्टिल, बट कहीं ना कहीं हमें एक रास्ता मिल जाता है बोलने का, तो वो रास्ता यही है. एंड आई एम श्योर, और आप भी ये चीज़ यकीन के साथ फील करोगे, जब आप अपनी रेट ऑफ स्पीच को थोड़ी सी स्लो करोगे, क्योंकि कभी क्या होता है कि जब स्पीड में बोलते हो तो यू जस्ट हैव 1000 ऑफ वर्ड्स. सो उसमें से क्या होता है कि आपके वोकल को ये डिसाइड नहीं कर पाता दैट मैं क्या निकालूं, एंड बाय विच स्टैमरिंग विल कम. सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है स्टैमरफुल लोगों में. सो आई जस्ट वॉन्ट दैट जस्ट रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ योर स्पीच, एंड आप जस्ट रिलैक्स. क्योंकि क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि स्टैमरिंग में क्या है, इंसान वर्ड्स को बहुत फोर्सफुली बोलता है. एक्चुअली आप किसी भी वर्ड्स को बोल सकते हो, पर आप फोर्सफुली करने के चक्कर में आप उस वर्ड को स्टैमर कर जाते हो, या आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जब आपको फोर्स लगाना पड़ता है देन स्टैमर विल कम. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस टिप्स. Don't be just forcefully say any character of the words, any letter of the word. Just be slowly and be calmly. Okay? आपको कोई भगा नहीं ले जाएगा, आपको कोई चुरा नहीं लेगा, आपको कोई मार नहीं देगा. बस ये आपकी लाइफ है और ये आपसे होके जाती है. That people क्या सोचते हैं ये कभी मत सोचिएगा, because people अगर शिक्षित हैं तो समझ जाएंगे, और अगर वे शिक्षित नहीं हैं तो वे नहीं समझ पाएंगे. तो कहीं ना कहीं आपको खुद से अपने आप की जो एक सोच है, जो एक माइंडसेट है, वो क्रिएट करना पड़ेगा दैट मैं कुछ भी बोलूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं. और यकीनन मैं ये कह सकता हूँ दैट अगर आप स्लो बोलते हो तो इसमें आपकी अच्छाई है, दैट लोग ये सोचेंगे दैट कितना पोलाइट पर्सनैलिटी का इंसान है, या कितना सूझबूझ वाला इंसान है. तो ये आपकी अंदर की पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेगा, श्योरली करेगा. तो आप जस्ट एज अ पॉजिटिवनेस आप इस चीज को अपने अंदर लाओ, और जस्ट ग्रैप्स करो और ट्राई करो कि मैं हर वर्ड को स्लोली बोलूँगा. और जब आपको समटाइम बहुत ज़्यादा स्टैमर की दिक्कत जिन्हें भी है, वो जस्ट ये करें कि किसी भी सेंटेंस को एक फ्लो में मत बोलें. क्योंकि क्या होता है कि एक फ्लो में आप जब भी किसी सेंटेंस को बोलते हो दैट ऑलवेज हैव अ ग्राफ, बट स्टैमर करते वाले इंसान में वो ग्राफ नहीं बन पाता. सो आपको थोड़े लेवल ज़ीरो से लेवल टॉप पर आना है. तो लेवल ज़ीरो का मतलब ये है कि आपको अपने स्पीच को जितने भी सेंटेंसेस वर्ड्स आए सबको आपको ब्रेक करके बोलना है, लाइक जैसे मैं बोल रहा हूँ.
से आपको बहुत ही एक अप्रोच मिलेगा दैट आप भी उस तरह बोल सकते हो। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जस्ट यूज़ करो इस टेक्निक को स्लो बोलने की, एंड डोंट वांट टू जस्ट हाइपर, डोंट वांट टू एग्रेसिव एंड डोंट वांट टू इमोशनल, जस्ट रिलैक्स और स्लोली ही बोलो। आपको कोई भी बात एक्सप्रेस करनी है किसी से भी, जस्ट स्लोली बोलिए, डोंट वांट टू बी एक्साइट। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको समटाइम ये भी लगता होगा कि दैट मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ तभी नहीं सीख रहा, बट ये रियलिटी नहीं है। अगर आप इम्प्लीमेंट करो तो सब कुछ होगा। और मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं टेक्निक सीख रहा था तो मैं इस चीज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, ये जस्ट बिकॉज फ्लो में बोलने के चक्कर में। सो मैं बस अपने व्यूवर्स से जिन्हें भी स्टैमिनिंग की प्रॉब्लम है उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ दैट फ्लो में बोलने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। और याद रखें कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग ही इस रेट ऑफ स्पीच से करनी है। इफ आपने शुरू में खूब स्पीड से बोला और आप बोल ले गए, बट क्या हुआ सम टाइम बीच में आपने स्टैमिन दिक्कत आ गई, सो ऐसा नहीं करना है। अगर आप बोलना सीख भी ले रहे हो स्पीड में तो भी आपको स्पीड में नहीं बोलना है जब तक थोड़ी टाइम पीरियड ना हो जाए। ओके एक्सपीरियंस के ना कर लो आप, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा स्टार्टिंग से आपको रेट ऑफ स्पीड स्लो रखनी है ताकि आप अपने जितने भी आपके एक्सप्रेसिव थॉट्स हैं आइडियाज हैं जो आपको शेयर करना है आप शेयर कर सको और ढंग से। जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस स्टार्टिंग से आप स्लो बोलो, आप सब कुछ बोलोगे, हर चीज जो आप चाहते हो सब कुछ कर लोगे, बट यू हैव टू मेंटेन द रेट ऑफ स्पीच एंड जस्ट ऑलवेज रिमाइंड द टेक्निक्स। टेक्निक्स मीन्स जस्ट स्लोली, डोंट बी जस्ट एक्साइट, डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी इमोशनल, just be quiet, cool, relax and just say the things. So aaj ke liye itna hi task kaafi hai. Ab next mein main aapko ek naye approach ke sath ek nayi positiveness dunga, ye mera vaada hai aapse. Aur bas mere viewers aap sab yaad rakhna that stammering koi as such koi problem hai hi nahi, it just a mindset fault and the mouth problem, and if you want to टैपिंग ए भी एंड ये चुटकियों का काम है। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑफ योर गॉड। इफ यू हैव अ ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ देन आप जल्द ही उस नॉर्मल पीपल की तरह बोल सकोगे जैसे सब बोलते हैं, और आप हर वो काम कर सकोगे जो आप चाहते हो, और आप हर वो थॉट आइडिया शेयर कर सकोगे जो आप चाहते हो। So if you want to be a good person, if you want to be a good communicator, if you want to be a good, you know, journalist and all the terms of radio jockey, so aap ho sakte ho sab kuch, but you have to implement on the reality of life. Means aapko ye is state of speech se sabse baat karna hai, chahe wo aapke mom ho, chahe aapka colleague ho, aapka friend ho, aapka dad ho, jo bhi whatever, but you have to implement. Then, आपका हो सकता है सही, और अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली सही होगा, इट्स माई गारंटी, 100% गारंटी श्योर।